दिल्ली के तिहाड़ जेल गैंग वॉर में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने वाला योगेश टुंडा अब शादी करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसे ना तो जमानत मिल रही है और ना ही कोई आश्वासन, जिसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे विस्तार से, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर योगेश उर्फ टुंडा द्वारा एक याचिका जो दाखिल की गई थी उसमें दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने अपनी शादी के लिए 6 घंटे की हिरासत पैरोल मांगी थी। गोगी गैंग का बदमाश योगेश टुंडा पिछले साल मई में तिहाड़ जेल में अपने विरोधी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की थी। वो साल 2018 में मकोका के तहत दर्ज एक मामले में भी आरोपी है। इस पूरे मामले में न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया और इस मामले को 1 मार्च तक की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। हिरासत पैरोल और बाद में अंतरिम जमानत के लिए उनके पहले आवेदन को खारिज कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश मकोका 22 जनवरी को वकील वीरेंद्र मोवाल और दीपक कुमार ने उसकी याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उनकी ओर से एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि 22 जनवरी 2024 का आदेश अवैध, विकृत, मनमाना और भारत के संविधानों के अनुच्छेदों के तहत निहित मौलिक अधिकारों के विपरीत है। याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने कहा कि संतानोत्पत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसके लिए संविदात्मक परीक्षा की आवश्यकता होती है। ये भी कहा गया है कि ये कोई अकाट्य अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आरोपी के पिछले आचरण और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार किया था। कोर्ट ने कहा था कि जमानत के लिए फर्जी दस्तावेजों के संबंध में आरोपी के पिछले आचरण की भी जानकारी दी गई है। कोर्ट ने 22 जनवरी 2024 के आदेश में कहा कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आरोपी ने हिरासत में रहते हुए हत्या की है, इसीलिए उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हिरासत, जमानत और परिणामी अंतरिम जमानत की मांग करने वाली अर्जी खारिज की जाती है। आगे ये भी कहा गया कि इससे पहले एक और जमानत याचिका फर्जी COVID पॉजिटिव प्रमाण पत्र द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपी के पिता ने COVID संक्रमित किया था। दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी और इसमें कहा गया था कि इस अपराध सिंडिकेट के खिलाफ करीब 60 मामले दर्ज हैं। इस संगठित अपराध सिंडिकेट के बदमाशों का पुलिस हिरासत से भागने का रिकॉर्ड था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आरोपी उन हमलावरों में से एक है जिन्होंने जेल में हत्या की थी। इस बात की प्रबल आशंका है कि अगर यह आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपी जमानत ले सकता है। आरोपी योगेश टुंडा के वकीलों द्वारा यह पेश किया गया था कि शादी तय करने के प्रभाव को सत्यापित किया गया है, जो रिपोर्ट में परिलक्षित होता है। ये भी कहा गया था कि 6 घंटे के लिए हिरासत पैरोल दी जाती है और इसके बाद कोर्ट जो भी उचित समझे उस अवधि के लिए अंतरिम जमानत भी दी जाती है।